हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज एयर फ्रायर में काजू को रोस्ट करने जा रही हूँ, तो आप देखिए किस तरह से काजू को हम रोस्ट करेंगे। पहले हम काजू ले रहे हैं, ये हाफ के जी काजू है। इसको एक छन्नी में डाल देंगे और मैं नीचे एक डेगची रखी हूँ जिसके ऊपर ये छन्नी रखूँगी। अब इसके ऊपर पानी डालकर इसे वॉश कर लूँगी ताकि जो धूल हो या कुछ पड़ा हो वो क्लीन हो जाए। इसे ज़्यादा देर नहीं पानी में रखना है। तो ये वॉश करने के बाद इसे हम 1 मिनट के लिए, इसका पानी ड्रेन होने के लिए इसे छोड़ देंगे। और तब तक मैं एयर फ्रायर ऑन करती हूँ और प्री हीट करूँगी और मैं इसे 1 मिनट के लिए प्री हीट कर लेती हूँ और 160 डिग्री पे रखूँगी इसे। और फिर 1 मिनट के बाद मैं इसमें काजू डालूँगी। ये एयर फ्रायर अभी प्री हीट हो गया है और मैं इसमें काजू डाल दूँगी। काजू डालकर इसे फिर से एयर फ्रायर में डालकर इसे 160 डिग्री पर ही इसे 8 to 10 मिनट्स के लिए हम रखेंगे। दोस्तों 10 मिनट हो चुका है और ये देखिए काजू ब्राउन हो चुकी है। अब इसे मिक्स करके 1 या 2 मिनट के लिए हम इसे कर लेंगे रोस्ट। देखिए ये काजू रेडी हो गया है, अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है ये। अब इसे निकाल कर मैं बाहर रख दूँगी और इसे रोस्ट करने के लिए मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, ना घी ना ऑयल कुछ भी नहीं। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे जार में भर कर रख दूँगी और खाने के लिए जब निकालेंगे तो अब इसमें काला नमक डाल करके खा सकते हैं। थैंक यू।